सो आइए आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं देखिए त्रिमिनिविड संकुलन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अगर आप द्विमिनिविड संकुलन और एक विमिनिविड संकुलन किस प्रकार से उसमें आप संकुल बना सकते हैं एंड इसके निविड संकुलन ज्ञात कर सकते हैं एंड साथ में इसका जो संकुलन क्षमता होती है एंड इसमें पैटर्न कैसा बनता है सारा कुछ डिटेल बता दिया था। नहीं देखा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए इस वीडियो को। तो चलिए आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं त्रिमिनिविड संकुलन। देखिए त्रिमिनिविड संकुलन जो होता है वो द्विमिनिविड संकुलन जो होता है उससे ही बनता है जो द्विविमीय निविड संकुलन। द्विमिनिविड संकुलन जो होता है उसकी परतों या फिर इसको अपन कह सकते हैं गोल है ना, परते भी कह सकते हैं या फिर इसको गोले भी कह सकते हैं, उसको अपन एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो किसका निर्माण होता है त्रिविमीय निविड संकुलन का निर्माण होता है। तो लॉजिक सिंपल है, जो कि द्विविमीय में अपन ने देखा था कि कुछ इस प्रकार की शर्ताएं थी और जिसमें अपन ने देखा था एक टाइप का वर्ग बनाया था, जिसको मान लीजिए इसको चुना है तो यहाँ से ये टच कर रहा है और ये वाला टच कर रहा है तो ये अपन का क्या बन गया वर्ग। लेकिन अपन क्या करते हैं अब ये द्विमीय जो बन रहा है उसके ऊपर और परत चढ़ा देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है त्रिविमीय निविड संकुलन का निर्माण हो जाता है। तो उसके ऊपर यहाँ पर अपन और परत लगा देते हैं तो निर्माण किसका हो जाएगा यहाँ पर त्रिविमीय निविड संकुलन का। तो देखिए द्विमीय निविड संकुलन से अपन के किसका निर्माण होता है त्रिविमीय निविड संकुलन, उनकी परतें या फिर गोले को अपन एक दूसरे के ऊपर रखने से किसका निर्माण होता है त्रिविमीय निविड संकुलन का। समझ में आ गया, अब अपन समझते हैं उसके जो प्रकार होते हैं उसके। अब जो त्रिविमीय निविड संकुलन होते हैं दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के, कौन कौन से होते हैं उसको समझिए ध्यान से। एक तो होता है इसमें द्विमा, जो द्विमीय होता है अपना वर्ग देखा था है ना, द्विमा वर्ग निविड संकुलन या संकुलित परतों से त्रिविम निविड संकुलन बनाना है ना। पहला जो होता है वो द्विमीय वर्ग निविड संकुलन था, उसको अपन इसकी परतों से अपन को क्या बनाना है त्रिविम निविड संकुलन, और दूसरा हो जाता है उसमें द्विमा षटकोणीय निविड संकुलन से षटकोणीय निविड संकुलन से त्रिविम निविड संकुलन। ध्यान से समझिए, त्रिविमीय निविड संकुलन होते दो टाइप के होते हैं, द्विमा वर्ग जो निविड संकुलन अपने द्विमीय में पढ़ा था उसमें त्रिविम को बनाना है और मतलब वर्ग वाले को, और यहाँ पर षटकोणीय जो द्विमीय वाला था उसको उनको त्रिविमीय में बनाना है। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, जो वर्ग किस प्रकार से बनेगा तो सिंपल लॉजिक है, अपन क्या करते हैं यहाँ पर समान प्रकार के गोले बना देते हैं जो कि द्विमीय वाला वर्ग बना था उसी प्रकार से। तो मैं यहाँ पर सारे को एक पर बना देता हूँ, ये जो पहली पंक्ति है उसके नीचे ठीक दूसरी पंक्ति आ जाती है। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर द्विमीय वाला जो चीज़ होता है उसका वर्ग बना देते हैं। मान लीजिए इसको अपन ने बना दिया, समझ ले कि नहीं बना रहा, देखिए टच नहीं करते अपन किसी को, यहाँ पर चुना नहीं है अभी। अब क्या करते हैं उसके ऊपर अपन दूसरी परत चढ़ा देते हैं, मतलब और परत चढ़ा देते हैं जिसके कारण से किसका निर्माण हो जाएगा अपन का त्रिविमीय निविड संकुलन का। तो यहाँ पर दूसरी परत अपन मान के चलिए इधर चढ़ा दिए। अब ये वाला जो बना है उससे अपन को क्या बनाना है यहाँ पर त्रिविम वाला अपन का वर्ग बनाना है। तो सिंपल है, यहाँ से ये वर्ग बन चुका है, इस प्रकार से बनेगा ये वर्ग आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा है त्रिविम निविड संकुलन का वर्ग है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है जो द्विमीय वर्ग वाला था उसके ऊपर और पर चढ़ा देते हैं तो अपन का त्रिविम निविड संकुलन वर्ग प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा जो कि ए ए और ए टाइप का, क्योंकि यहाँ पर सारे समान हैं अलग अलग नहीं है तो इस पर कौन सा पैटर्न रहेगा ए ए टाइप का पैटर्न रहेगा, समझे ना। अगर इसमें अपन देखते हैं संकुलन क्षमता तो यह हाल की 54% के आसपास ही रहती है, तो उसको छोड़िए। अब हम समझते हैं द्विमीय षटकोणीय निविड संकुलन जो होता है उसके दो टाइप होते हैं। द्विमीय षटकोणीय निविड संकुलन से अपन को त्रिविमीय निविड संकुलन बनाना है उसके दो प्रकार होंगे क्या, एक तो इसमें कहना चाहता है कि जब द्वितीय परत होती है उसको अपन प्रथम परत के ऊपर चढ़ा देते हैं, और दूसरा ये कहना चाहता है कि जो तृतीय परत होती है उसको अपन द्वितीय परत के ऊपर रखना। हालांकि दोनों को अलग अलग लिखा है लेकिन इसका समझने का तरीका एक ही है क्या, कि जो दूसरी परत होती है उसको प्रथम परत के ऊपर रखते हैं और जो थर्ड परत होती है उसको दूसरी परत के ऊपर रखते हैं, तो वो हो जाता है दूसरा और ये पहला।
अब इसमें अपन देखते हैं, जब अपन क्या करते हैं द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखते हैं, यहाँ पर समझने की बात है, ये जो परतें बन रही है ना, या फिर अपन मान के चलिए गोले बन रहे, तो सिंपल ऐसा मान लीजिए कि जो द्वितीय पंक्ति के गोले होते हैं उसको प्रथम पंक्ति के गोले के ऊपर रखते हैं, तो सिंपल यहाँ पर क्या बनते हैं, दो रिक्तिकाएँ बनती है। अगर ऐसा अपन रखते हैं तो इसमें अपन क्या बनते हैं, दो रिक्तिकाएँ, एक तो इसमें रिक्तिका बनती है चतुष्फल की रिक्ति, और दूसरा बन जाता है अष्टफल की रिक्ति। जब अपन ने क्या किया, द्वितीय परत या द्वितीय परत पंक्ति के गोले को प्रथम पंक्ति के गोले या प्रथम परत के ऊपर रख दिया, तो सिंपल दो रिक्तियां बन जाती है, चतुष्फल की रिक्ति एंड अष्टफल की रिक्ति। अब देखिए चतुष्फल की रिक्ति किस प्रकार से बनेगी, तो इसमें ऐसा होगा कि जो अपन का द्वितीय परत होता है उसको अपन रख देते प्रथम परत के ऊपर, तो कुछ इस प्रकार से बन जाती है। अब ये जो है उसके ऊपर अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर बीच में एक गोला और रख देते हैं ऊपर की साइड, तो यहाँ पर जो बनती है रिक्ति उसको अपन कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति, है ना, जो किस प्रकार से बनती है, कुछ इस प्रकार से बनती है, है ना, ऐसी। ये जो रिक्ति बनती है वो कौन सी है, ये रिक्ति की आकृति है ना। चतुष्फल की रिक्ति जो होती है वो चार गोले से बनती है, कितने गोले से बनती है, चार गोले से बनती है। तो यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति में अपन को ध्यान रखना है कि जब चार गोले होते हैं उनके केंद्रों को अपन मिलाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हो जाता है। जबकि अष्टफल की में क्या होता है, छः गोले के केंद्रों को अपन आपस में मिला देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, अष्टफल की रिक्ति का। अब कैसा होगा उसका निर्माण देखिए, अपन इस प्रकार से गोले को लेते हैं, अब जो ये तीन गोले हैं और तीन गोले उनको और लेने हैं, तो सिंपल ऐसा कैसा उल्टा कर दीजिएगा, तो मतलब कैसा होगा देखिए, यहाँ पर देखिए जो तीन परत थी और मतलब तीन गोले थे उसके ऊपर तीन गोले उल्टे करके रख दिए, तो यहाँ पर कितने गोले हो गए, टोटल छः गोले हो गए। तो जो ऊपर रिक्ति बनती है उसको अपन कहते हैं अष्टफल की रिक्ति। जो किस प्रकार से बनती है देखिए, पहले गोले अपन ने इस प्रकार से रखे थे और जो बाद में रखे वो कैसे रखे थे, उल्टे करके, मतलब कुछ इस प्रकार से। तो ये जो बनती है वो रिक्ति की आकृति बन जाती है, जो कि कौन सी रिक्ति बनेगी अपन की, अष्टफल की रिक्ति, समझना। तो चतुष्फल की रिक्ति होती है उसमें चार गोले यूज़ करते हैं और अष्टफल की रिक्ति में कितने गोले यूज़ करते हैं, छह गोले। यहाँ का पैटर्न देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का होगा, कैसा, ए और ए टाइप का पैटर्न होगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पर सारे समान है ऐसा कैसे ही है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, मतलब इसमें पैटर्न जो होगा वो ए बी टाइप का होगा, है ना। अब इसमें ए बी ए बी किस प्रकार से बना देखिए, यहाँ पर पहले जो था वो कुछ उल्टा रखा था, मतलब कुछ इस प्रकार से रखा था, अब जो दूसरा लाएंगे वो कैसा रखते हैं अपन, ऐसा उल्टा, तो ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या बन जाता है, ए बी टाइप का पैटर्न। तो यहाँ पर जब द्वितीय परत को अपन प्रथम परत के ऊपर रखते हैं दो रिक्तियाँ बनती, केवल ध्यान रखिए इतना, चतुष्फल की रिक्ति अष्टफल की रिक्ति, है ना। तो यहाँ पर छह गोले को केंद्रों को मिलाने से बनती है और यहाँ पर चार गोले के केंद्रों को मिलाने से बनती है। अब अपन समझते तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या होता है कि जब तृतीय परत को अपन द्वितीय परत के ऊपर रखते हैं, यानी कि तृतीय पंक्ति के गोले को द्वितीय पंक्ति के गोले के ऊपर रखते हैं, तो सिंपल इसमें क्या होता है, संकुल का निर्माण होता है, साथ में रिक्तिका भी बनती है, ये दोनों बनती है ना। तो यहाँ पर मेन चीज़ अपन को ध्यान रखना है कि संकुल बन रहे। अब कौन कौन से संकुल बन रहे, तो देखिए इसमें पहला जो संकुल बनता है वो बनता है षटकोणीय निविड संकुल, षटकोणीय निविड संकुल, और जो दूसरा बनता है वो बनता है घनीय निविड संकुल, कौन सा, घनीय। अब जो षटकोणीय होते हैं उसमें रिक्ति कौन सी बनेगी, चतुष्फल की रिक्ति, कौन सी बन जाएगी, चतुष्फल की रिक्ति। अब जब घनीय होता है निविड संकुल उसमें कौन सी रिक्ति होगी, अष्टफल की रिक्ति, अष्टफल की रिक्ति। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखते हैं तो सिंपल दो संकुल का निर्माण होता है, षटकोणीय निविड संकुल, घनीय निविड संकुल। षटकोणीय में रिक्ति कौन सी बनेगी, चतुष्फल की रिक्ति, एंड घनीय में कौन सी बनेगी, अष्टफल की रिक्ति। इसका अपन डिटेल से देखते हैं आगे, इससे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। अब अपन समझते हैं जो कि षटकोणीय निविड संकुल और दूसरा अपन साथ में इसमें देख लेते हैं घनीय निविड संकुल। अब इसमें रिक्ति कौन सी बनती है, चतुष्फल की रिक्ति बनती है, या चतुष्फल की रिक्ति से अपन का किसका निर्माण होता है, षटकोणीय निविड संकुल का, है ना, और इसमें बन जाती है अष्टफल की रिक्ति। अब जो षटकोणीय निविड संकुलन बनता है उसमें अपन को क्या ध्यान रखना है देखिए, उसमें एक तो अपन का ध्यान रखना है कि इसमें षटकोण बनेगा,
षटकोण, ये सब उनका ध्यान रखना है कि इसमें एक तो षटकोण तो बनेगा ही सही। अब इनको मिला देते हैं तो यहाँ पर अपन का बन जाता है एक षटकोण। तो ये तो बात होगी सिंपल बात, है ना। क्या बात होगी सिंपल। अपन ने देखा था कि तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना था, तो यहाँ पर अपन इसके ऊपर रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझने में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं उसको ऊपर बना देते हैं। तो यहाँ से जो निकलता है और यहाँ से जो निकलता है और यहाँ से, है ना, तो उसको अपन बना देते हैं कुछ यहाँ पर इस प्रकार से, इसको यहाँ से मिला देते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं तो इसमें जो बनता है ना, वो कुछ इस प्रकार से बनता है नीचे की तरफ। एक बात ध्यान रखते कि ये क्या कि जो ऊपर बना है उसी प्रकार से अपन को षटकोणियों बनाना है नीचे की तरफ, उल्टा मत बना दीजिएगा। उल्टा किस में आएगा, उसमें आएगा, है ना। तो देखिए ये है ए, इसको मान लीजिए, तो इसको अगर अपन मान लेते बी, तो ये किसके समान है, इसके समान, मतलब ये कौन सा है ए। तो उसमें जो पैटर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, ए बी टाइप का पैटर्न बनेगा। अब इसमें अपन देखते हैं क्या संकुलन क्षमता कितनी होगी, 74% के आसपास होगी। अब इसमें देखते हैं अपन समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या कितनी होगी गिन के बताइए। देखिए इसमें एक तो षटकोण के लिए कितने, 6, और ये भी इसके अंदर से अपन ने निकाले, ये जो नीचे वाले तीन तीन है, तो 3 और 3 कितने, 6, और 6 ये कितने हो गए, 12। तो इसमें समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो जाती है, 12। तो देखिए षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या होता है कि भाई साहब इसमें कुछ नहीं होता है, जो ऊपर पैटर्न बनेगा उसको ध्यान रखिए ए बी टाइप का। इसमें ध्यान रखिए कि जो तृतीय परत होती है वो प्रथम परत के समान होगी, और चौथी परत होती है या पंक्ति होती है वो किसके समान होगी, द्वितीय परत के समान। तो कॉन्सेप्ट अपन को याद रखना ये वाला। अब अपन समझते हैं घनी निविड़ संकुलन या फिर अष्टपद की रिक्ति से बनता है कैसे वो। अब इसमें ध्यान रखना है घनी लिखा है लेकिन इसमें षटकोण तो बनेगा, क्यों, क्योंकि अपन किसका प्रकार देख रही है, षटकोणीय निविड़ संकुलन का, है ना। जो मैंने बताया द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन था उससे त्रिविमीय निविड़ संकुलन को षटकोणीय बनाना है, तो षटकोण तो बनेगा ही सही इसमें, है ना। तो इसको अपन सिंपल यहाँ पर बना देते षटकोण, ये षटकोण बन गया। अब इसमें से अपन ये तो कब बन गई दूसरी परत, उस पर अपन तीसरी परत रख देते हैं। तो सिंपल इस पर अपन रखेंगे, लेकिन इसको अपन मैं ऊपर बना देता हूँ यहाँ से निकाल करके, और इसको भी यहाँ से निकाल करके नीचे बना देता हूँ। उसमें पहला तो वैसा एक वैसा ही रहेगा यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार का, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है इसमें ये जो बना है ना समान समान, इसके इसका मुंह उधर है ऊपर की तरफ, तो इसका मुंह ऊपर बना है, लेकिन यहाँ पर उसको उल्टा कर देना है। कैसे, नीचे 3-2 आ जाएंगे, सॉरी, और एक नीचे आ जाएगा, तो ये बन गया उल्टा कुछ इस प्रकार से, क्योंकि रिक्ति पर निर्भर करता है। अष्टफल की रिक्ति थी उसमें अपन ने बताया था कि कुछ इस प्रकार का बना था रिक्ति, तो उल्टा ही होगा, है ना। अब इसमें अपन ने देखा था तो इसमें रिक्ति कैसी थी, कुछ इस प्रकार की थी, मतलब समान थी, है ना, इस प्रकार की, या मान के चलिए उसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी उसमें अपन कर सकते हैं, तो इसमें तो समान हो जाएगी। अब इसमें देखिए पैटर्न, ये इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, अब इसको अपन क्या मानेंगे, ए मानेंगे नहीं, क्योंकि ये तो इससे अलग है ना, तो उसको अपन मान लेते सी, तो इसमें पैटर्न बन जाएगा ABC प्रकार का पैटर्न। इसमें ध्यान रखना है कि जो चतुर्थ परत के गोले होते हैं वो प्रथम परत के गोले के समान होते हैं, और जो पंच परत के गोले होते हैं वो द्वितीय परत के समान होते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है ना, इसमें ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, अगर इसमें अपन देखते हैं संकुलन क्षमता, तो इसमें संकुलन क्षमता कितनी हो जाती है, जितनी उसमें बनी थी उतनी इतनी इसमें भी होगी, कितनी, 74%। अब इसमें समन्वय संख्या देखते हैं अपन, तो मैं समन्वय संख्या को यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 12। कैसे 12, तो इसमें भी इतने कितने, 3 नीचे 3, यहाँ पर 6, कितने, 12। तो देखिए अपने जब तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखा तो उसमें संकुल का निर्माण हुआ,
जो कि षटकोणीय निविड संकुलन, घनी निविड संकुलन। षटकोणीय निविड संकुलन चतुष्फल की रिक्ति से बनता है एंड घनी निविड संकुलन होता है अष्टफल की रिक्ति से बनता है। इसमें अपन को पैटर्न ध्यान रखना है ए बी ए बी टाइप का, इसमें ए बी सी टाइप का। अब इसमें परत को ध्यान रखना है कि तृतीय परत होती है वो किसके समान होगी, प्रथम परत की, और चतुर्थ परत होगी वो द्वितीय परत की। यहाँ पर चतुर्थ परत प्रथम परत की और पांचवी परत द्वितीय परत के समान होगी। इसके बाद अपन देखते हैं संकुलन क्षमता दोनों में सेम है और समान संख्या दोनों में सेम है। तो इस प्रकार से अपन का निविड संकुलन कंप्लीट होता है त्रिविम वाला। और आई होप को सारा समझ आया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।